हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा आलू टिक्की चाट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप हर रोज के वही नाश्ते से बोर हो गए हो तो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू टिक्की को मैं बना रही हूँ स्टफ़ करके। तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल, या फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप उसमें से बना सकते हैं। जीरा 1/4 चम्मच, चुटकी भर हींग। हींग डालना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, अगर आप हींग डालना नहीं चाहते हो तो आप इसे स्किप कर दें। 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी को सौते कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल आए। फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम। उबले हुए चने का दाल, तो दाल लिया है मैंने 1/2 कप के करीब। दाल को पहले 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दें, जिससे कि दाल अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे हमें 3 से 4 विसल लगने तक पका लेना है। उबले हुए मटर के दाने 1/4 कप। मटर को मैंने ब्लांच कर लिया है। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर मटर को आप उबाल लें। तो पहले इसे हम इस तरह से भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी पानी है, नमी है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें हमें कुछ पाउडर मसाले का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम, आमचूर पाउडर 1/3 चम्मच, चाट मसाला 1/3 चम्मच, थोड़ा सा जाएगा लाल मिर्च के पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स, यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालना टोटली ऑप्शनल है, पर बहुत ही टेस्टी बनता है, चटपटा सा बनता है। इन सभी को भून लेंगे और हमें नमक डालना है स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक हम बाद में भी डालेंगे, तो नमक का यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। ऊपर से डाल देते हैं धनिया पत्ती और ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। 3 आलू को मैंने यहाँ पे उबाल लिया है, यह अच्छी तरह उबला हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो चलिए इसे मैश कर लेते हैं। इस तरह से आलू को हमें इस तरह से तोड़ लेना है ताकि यह बिल्कुल बारीक हो जाए, आलू के चंक्स नहीं रहने चाहिए। इसके अंदर जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे हमें ख़त्म कर लेना है। और ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से तोड़ लिया है। अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरा लिया है मैंने यहाँ पे 1/3 चम्मच, चाट मसाला 1/3 चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच। आप कॉर्नफ्लावर की जगह पे थोड़ा सा मैदा या फिर जो अरारोट होता है ना, वह भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, यह सिर्फ बाइंडिंग के लिए है। काली मिर्च के पाउडर 1/4 चम्मच और नमक जाएगा स्वाद के अनुसार। तो नमक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि नमक का यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि नमक हमने स्टफिंग में भी डाला है। तो यहाँ पे नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे और इन सभी को मिक्स कर लेना है। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब हमें इसके टिक्की बना लेने हैं। तो हाथों को पहले पानी से ग्रीस कर ले, हाथों पे अच्छी तरह पानी लगा ले, इससे कि आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। और बीच में हम इस तरह से गड्ढा बना लेंगे। अब हमें इसमें स्टफ़ करने हैं। आप चाहो तो इसे बिना स्टफ़ किए हुए भी बना सकते हो, वह भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पर स्टफ़ किया हुआ जो है ना, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। जब आप खाएंगे तो आपको खाली आलू आलू जैसा नहीं लगेगा। इसे हम अच्छी तरह सील कर देंगे इस तरह से, और हमें चिपटा कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे, हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और ये हमारा एक टिक्की बनकर तैयार हो गया है। बाकी सभी को हमें इस तरीके से बना लेना है। तो मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। आप जब भी बनाएं तो हाथों को पानी से पहले ग्रीस कर ले, हाथों पे अच्छी तरह पानी लगा ले, उससे आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच स्टफिंग का इस्तेमाल किया है।
इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे और ऊपर से हमें सील कर लेना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। और फिर से इसे हमें इस तरह से चिपटा कर लेना है। टिक्की का हमें शेप दे देना है। टिक्की को ना तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये हमारा टिक्की तैयार हो गया है फ्राई होने के लिए। इसे हम फ्राई करेंगे पैन में। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें सैलो फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है रिफाइंड तेल। तेल हमारा यहाँ पे अच्छा गर्म हो गया है। और जब भी आप टिक्की डालें तो तेल को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद ही डालें, नहीं तो हो सकता है यह चिपक जाए। जब एक बार नीचे से सिक जाए उसके बाद ही इसे हमें पलटना है। तो फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम। अब हमें आलू टिक्की को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है जिससे कि अंदर से अच्छी तरह पके। तो ये देख सकते हैं एक साइड से सिक गया है, इसे पलट लेते हैं। और इसे हमें इसी तरह से पलट पलट के फ्राई कर लेना है। कलर भी बहुत ही बढ़िया सा आया है, इसे प्रेस कर लेते हैं। अब इसे हमें क्रिस्पी बनाना है तो हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अंदर का जो भी बचा हुआ माल है वो निकल आए बाहर। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है जिससे कि क्रिस्पी बने। वैसे आलू टिक्की हमारा पककर तैयार हो गया है। आप कलर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा आया है। और ये हमारा आलू टिक्की तैयार हो गया है। अब इसे हमें और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो यह जल जाएगा। इसे निकाल लेते हैं। अब इसे हमें असेंबल करना है। तो मैंने डाल दिया है प्लेट में आलू टिक्की को। और इससे पहले हम इस तरह से काट लेंगे, तोड़ लेंगे। आप जितना बड़ा छोटा लेना चाहते हो कर सकते हैं। ये लिया है मैंने पापड़ी, इसे भी इस तरह से तोड़ कर डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। इमली की खट्टी मीठी चटनी, बारीक कटे हुए प्याज, दही। दही को मैंने यहाँ पे फेंट लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे ताजे दही का ही इस्तेमाल किया है। हरी चटनी, फिर से डालेंगे इमली की चटनी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ऊपर से डालेंगे सेब। और ये हमारा तैयार हो गया आलू टिक्की चाट, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। होप्स आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।